बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर निको बोबिनस की हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। निको बोबिनस की रीडिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं, चैप्टर को अच्छी तरह समझाया जा चुके हैं, इवन दो कि आपको एक्सरसाइज भी करवाई गई है इससे पहले और ओरली वो एक्सरसाइज करवाई गई थी। आप ये रिटन फॉर्म में आपको एक्सरसाइज करवाई जा रही है आपकी आप स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से। निको बोबिनस का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक खोलें अपने सामने, अपनी टेक्स्ट बुक मॉडर्न इंग्लिश पेज 11। फर्स्ट है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट निको बोबिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ ने हमने निको बोबिनस के बारे में क्या पढ़ा। वी लर्न दैट निको बोबिनस इज an extraordinary child who stuck his tongue out as the prime minister. We also learned that he lives in Venus and that he could do anything. के निको बोबिनस एक extraordinary child था, एक extraordinary ज़हानत रखने वाला बच्चा था और वो किसी के सामने भी बोल सकता था कुछ भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने कहा टंग आउट एज अ प्राइम मिनिस्टर। We also learn that he lives in Venus. हमने ये भी पढ़ा है कि वो वीनस में रहता था और वो कुछ भी कर सकता था। Who is Rosie? Rosie कौन थी? Rosie is निको बोबिनस best friend. Rosie निको बोबिनस की best friend थी। Why don't people pay attention to what Rosie says? कि लोग जो रोज़ी कहती थी लोग उसके बारे में अटेंशन उसको क्यों नहीं तवज्जो देते थे, उस पर क्यों नहीं अटेंशन देते थे। तो इसका आंसर है क्वेश्चन सी का, पीपल डोंट पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज बिकॉज शी इज़ ऑलवेज हैविंग वाइड आइडियाज़। इसलिए लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे, अटेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि उसके जहन में हमेशा फजूल ख्यालात आते थे, उसके फजूल आइडियाज़ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स डज रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निको बोबिनस शुड डू। रोज़ी ने कौन सी दो चीज़ें सजेस्ट की थी जो निको बोबिनस और रोज़ी को करनी चाहिए थी। रोज़ी सजेस्टेड दैट शी एंड निको बोबिनस शुड पुल अप Even weed on his doorstep and discover the land of dragon. रोज़ी ने सजेस्ट किया था कि निको बोबिनस और रोज़ी को शुड पुल अप एवरी वीड ऑन हिज डोर स्टेप और डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन। नेक्स्ट है, वेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डू दे टेक विद दैम। कि वो बच्चे कब ये एडवेंचर के लिए गए और वो अपने साथ क्या ले गए। द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू गेट ब्राइटर दे टेक बंस एंड लेमनेड विद देम। यानी कि वो बच्चे जो हैं वो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग चले गए और इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू गेट ब्राइटर दे टेक बंस एंड लेमनेड विद देम। नेक्स्ट है, एफ हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी। वो अपने यानी कि उन्हें रास्ते में कौन मिला से व्हाट हैपन्स एट ईच ऑफ टू इनकाउंटर्स। उन दोनों के साथ रास्ते में क्या हुआ। दे मीट द नाइट वॉचमैन एंड डॉग ऑन देयर जर्नी। उन्हें नाइट वॉचमैन और डॉग मिला था रास्ते में। द नाइट वॉचमैन ट्राइज टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग ऑन देयर एडवेंचर। नाइट मैन ने उन्हें कोशिश की थी एडवेंचर पर जाने से रोकने के लिए, यानी कि एडवेंचर नाइट में वॉचमैन ने उन्हें मना किया था कि वो इस एडवेंचर पर ना जाएं, उस वहाँ से रोकने से के लिए उसने कोशिश की थी। रोज़ी ट्रिप ओवर द डॉग एंड इट बार्क्स एट देम अनटिल इट नोटिसेस द बंस एंड स्टार्ट टू ईट देम। नेक्स्ट है, हाउ डज निको बोबिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड। निको बोबिनस कैसे बच्चा था ऑर्चर्ड में, जो आदमी था उससे कैसे बच्चा था। निको बोबिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड बाय डबलिंग हिमसेल्फ अप एंड गोइंग बैकवर्ड एज फास्ट एज ही कुड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे। सो द मैनस लेग्स आर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम एंड ही लैंड्स इन अ पाइल ऑफ लीव्स। देन ही हाइड्स इन अ
shed. Next, how does Nico Bobines get out of the well? Nico Bobines kuen se kaise nikla? He swims through a long narrow passage made of stone.